नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड सर्वाधिक 817 कोरोना पॉजिटिव नए मामले सामने आए हैं। वहीं 17 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 735 हो चुकी है, जबकि एक्टिव मामलों की संख्या देखी जाए तो 6869 तक पहुंच चुकी है। रिकवरी होकर डिस्चार्ज लोगों की संख्या 17221 है। प्रदेश का रिकवरी दर 69.36 है, जबकि 59.43% देश का रिकवरी दर है। यूपी की बात की जाए तो वाराणसी में आज कोरोना के 21 नए मरीज मिले हैं। बुलंदशहर में 20 मिले हैं, गोरखपुर में 15, इटावा में 20, भदोही और मिर्जापुर से 6-6 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 25,642 पहुंच चुकी है। उन जगहों की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां से आज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, 21 मरीज पाए गए, जबकि बुलंदशहर में 20, गोरखपुर में 15, इटावा में 20, भदोही में 6 मरीज और मिर्जापुर में भी 6 मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कुल मरीजों की संख्या 25,000 के पार पहुंच चुकी है और 24 घंटे में 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीआर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इसमें कोरोना को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यूपी, हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। दरअसल यूपी, हरियाणा और दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को कैसे रोका जाए, इसी पर चर्चा हुई। बैठक में आईसीएमआर और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री भी मौजूद रही। टेस्टिंग कैसे बढ़ाए जाए, साथ ही आईसीयू बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कोरोना पर रणनीति तैयार की गई गृह मंत्रालय की तरफ से। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी टीम 11 के साथ बैठक की, कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। टेस्टिंग की प्रक्रिया कैसे बढ़ाई जाए, स्वास्थ्य महकमे को कितना और मजबूत करना चाहिए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चाहे केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों ही तरफ से चर्चा की जा रही है। तो लगातार आपको ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ अमित शाह की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से चर्चा की टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने के साथ ही इन जगहों की हालातों को लेकर बैठक की गई। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने स्तर पर बैठक की, टीम 11 के साथ बैठक करते हुए उन्होंने टेस्टिंग की प्रक्रिया को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य महकमे को मजबूत करने फोकस है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार, दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ बैठकें चल रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमित शाह ने आज बैठक की और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। जहां लोगों की कोरोना से मौत हो रही है, लोगों में कोरोना का खौफ है और ऐसे में मेरठ से एक अच्छी खबर सामने आई है। 102 साल की बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी है। मेरठ की रहने वाली अम्मा सायरा बेगम कोरोना पॉजिटिव थी, लेकिन 102 साल की उम्र में उन्होंने कोरोना को मात दे दी है। बेगम के 32 साल के पोते की कोरोना से मौत हो गई। आपको बता दें कि डॉक्टर्स ने बताया कि बचने की उम्मीद कम थी, लेकिन अम्मा के आगे कोरोना हार गया। डॉक्टर्स ने फूल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया और इसके बाद जब उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई तो उन्हें डिस्चार्ज किया गया। ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, 102 साल की बुजुर्ग कोरोना को मात दी है। और एक पॉजिटिव खबर, एक अच्छी खबर जो आपको बता रहे हैं कि अगर आप कोरोना पॉजिटिव होते भी हैं तो अगर आपके हौसले बुलंद हैं, अगर आप अपने मन से मजबूत हैं तो आप इसे जरूर हरा सकते हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, 102 साल की उम्र में इस महिला ने कोरोना को मात दी है। मेरठ में कोरोना के बढ़ते कहर के चलते कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए 1400 टीमें घर घर पहुंचकर कोरोना संक्रमित मरीजों की तलाश कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश पर पूरे यूपी में मेरठ कमिश्नर में पायलट प्रोजेक्ट कोविड-19 सर्विलांस अभियान की शुरुआत की गई है। नोडल अफसर, डीएम, सीएमओ और स्वास्थ्य महकमे के अफसरों ने अपनी देखरेख में इस अभियान की शुरुआत नेहरू नगर से की है।
टीमें घर पहुंची, मरीजों का डाटा जुटाया गया, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया गया। आपको बता दें कि मेरठ में कोरोना का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है और 70 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। तो टीमें घर घर पहुंचेंगी और लोगों से बातचीत की जाएगी, किसी भी तरीके का किसी में सिम्टम है तो फिर उसका इलाज होगा। तक घर घर जाकर COVID-19 के सर्वे होगा और इस सर्वे में हर घर में ये पूछा जाएगा कि उस घर में कोई सांस फूलने का, बुखार का या खांसी का मरीज तो नहीं है, और जो इस तरह के सिम्टोमेटिक मिलेंगे उनके फिर हम लैब टेस्टिंग कराएंगे। लैब टेस्टिंग कराने से ही एक तरफ से जब सबका अभियान चल जाएगा तो जितने पेशेंट पॉजिटिव मिलेंगे उनको हम आइसोलेशन में एडमिट कराएंगे। लगभग कितनी टीमें लगाई गई हैं इसमें? लगभग इसमें 1400 टीम लगाई गई हैं पूरे मेरठ जनपद में और ये 2 बजे तक काम करेंगी। 50 घर रोजाना करने हैं इनको और शाम को हम रिपोर्ट इसको शासन को भेजेंगे। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो है ये एक नया अभियान शुरू किया गया है। हमारे जनपद में लगभग 1400 टीमें लगी हैं जो पूरे शहर में और ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रही हैं। इनका मेन उद्देश्य हर घर में जाकर सर्वे करना है, हर मेंबर से पूछना है और ये आइडेंटिफाइड करना है कि कहीं वो किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है या कोई सांस लेने की बीमारी हो या SARI ILI किसी भी रोग से ग्रसित तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो उसको तत्काल हम लोग आइडेंटिफाइड करते हैं और जो भी उपचार कराना है उसको आइसोलेट करना है, क्वारंटाइन करना है, उसकी सैंपलिंग करानी है, ये सब हमें कराना है। और हर घर के बाहर एक जो है स्टिकर भी लगाया जाएगा ताकि हम लोग भी इसको क्रॉस चेक कर सकें कि हर घर का सर्वे हो चुका है। मेन उद्देश्य ये है कि हम लोगों को संक्रमण की चेन को तोड़ना है। जल्दी से अगर कोई मरीज है जो इस लक्षणों से ग्रसित है तो उसको आइडेंटिफाइड करना है। देखिए, आज वहीं आगरा में कोरोना का कहर जारी है। जिले में कोरोना से 88 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। कोरोना के चलते करीब 3 महीने से बंद जिला सत्र न्यायालय को नियम शर्तों के साथ खोल दिया गया है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा भी लिया है, एक रिपोर्ट तैयार की है, आप भी देखिए। एक समय के बाद कहीं ना कहीं अनलॉक 2 में ताज नगरी आगरा का जिला सत्र न्यायालय खोल दिया गया। यहाँ नियम और शर्तें लगाई गई है। आरोग्य सेतु ऐप आपके मोबाइल में होना चाहिए, थर्मल स्कैनिंग के बाद ही आप अंदर जा पाएंगे। 14 नए मामले आने के बाद ताज नगरी आगरा में जो कोरोना पॉजिटिव है उनकी संख्या 1241 हो चुकी है। 1031 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अब जो एक्टिव केसों की संख्या है वो 122 है। 2 मौतों के साथ जो मौतों का आंकड़ा है वो 88 हो चुका है। 54 ऐसे जो बफर जोन हैं जिन पर लगातार प्रशासन निगरानी बनाए हुए है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज। और अब खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में CAA और NRC के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों में सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान को लेकर रिकवरी के लिए जिला प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई शुरू कर दी है। कुर्की की कार्रवाई में मंगलवार को 2 लोगों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 19 दिसंबर 2019 को लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून और NRC के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन, तहसीलदार शंभू शरण ने बताया था कि NRC और CAA के खिलाफ प्रदर्शन में हुई हिंसा के मामले में अपर जिलाधिकारी ट्रांस गोमती के कोर्ट से रिकवरी सर्टिफिकेट जारी हुआ था और इसी सिलसिले में तहसील सदर की टीम ने पक्का पुल के पास NY फैशन सेंटर को सील किया था। सीलिंग की कार्रवाई के पहले बकायेदार धर्मवीर सिंह पुत्र कृपाल सिंह को नोटिस देकर बकाया धनराशि चुकाने के लिए समय भी दिया गया था, लेकिन वो बकाया धनराशि चुकाने की स्थिति में नहीं थे और इसके बाद उनके प्रतिष्ठान को सील कर कुर्की की कार्यवाही पूरी की गई। साथ ही बकायेदार माहेनूर चौधरी पुत्र दद्दू चौधरी की बांस मंडी स्थित दुकान भी कुर्क की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए एक बड़ी मुहिम की शुरुआत कर दी है और इसके तहत 25 करोड़ पौधों का रोपण किया जाएगा। इसके साथ ही 1 जुलाई से 7 जुलाई तक व्यापक स्तर पर वन महोत्सव सप्ताह मनाए जाने का भी कार्यक्रम है, जिससे कि लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा सके और इसके लिए अलग अलग प्रजाति के पौधों का रोपण किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें औषधीय और फलदार छायादार
पौधों को रोपित किया जाएगा, इसका लक्ष्य रखा गया है। तो 7 जुलाई तक ये कार्यक्रम चलेगा जिसमें औषधीय फलदार छायादार पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। पौधारोपण की मुहिम मुख्यमंत्री ने चलाई है और 25 करोड़ पौधों को रोपित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें वन विभाग की भी भूमिका होगी, आम लोगों की भूमिका होगी और सरकार की तरफ से ये एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है जिसमें 25 करोड़ पौधों को रोपित किया जाएगा। 5 जुलाई को वन महोत्सव के दिन पौधारोपण होगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे महाअभियान के तौर पर चलाया है। वहीं गोरखपुर में सड़क निर्माण और विकास कार्यों के नाम पर बड़ी गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव ने कागजों पर सड़क और नाली का निर्माण दिखाकर करीब 50 लाख रुपए का भुगतान करवा दिया है, लेकिन जमीन पर ना नाली और ना ही सड़क का निर्माण हुआ है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। तस्वीर है गोरखपुर के जंगल कौड़िया के पचवारा खास गांव की, जहां की कच्ची सड़क लाखों के घोटाले की गवाही दे रही है। इस सड़क के नाम पर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव समेत कई लोगों ने जमकर मलाई काटी है। आरोप है कि कागजों पर बनी सड़क के नाम पर करीब 50 लाख रुपए सरकारी खाते से निकाल लिए गए। आलम यह है कि सड़क बनी नहीं लेकिन पेमेंट हो गया, नाली बनी नहीं लेकिन भुगतान हो गया। और तो और, पचवारा खास ग्राम पंचायत में भूमिगत नाली भी भूमिगत हो गई और 4.5 लाख रुपए का भुगतान ठेकेदार को कर दिया गया। गांव के हरिवंश यादव के घर से रामाश्रय विश्वकर्मा के घर तक भूमिगत नाली निर्माण कागजों में दिखा दिया गया, जबकि भूमिगत नाली बनाई ही नहीं गई। इस तरह सुरेश के घर से गुलाब के घर तक और धर्मदेव के घर से गांव के उत्तरी ब्लॉक तक भूमिगत नाली निर्माण दिखाया गया। इसके नाम पर 4.66 लाख का भुगतान भी हुआ। इतना सब कुछ होता रहा लेकिन ब्लॉक मुख्यालय के जिम्मेदार अधिकारी को इसकी खबर तक नहीं लगी। ये अपने आप में खबर है। पूरा मामला साहब यह है कि जब सेक्शन पास हुआ पैसे निकल गया, काम भी नहीं दिखाई दे रहा है, काम होना भी नहीं चाहिए हमारा इस जमीन में। क्यों यहाँ सड़क नहीं बना दी? नहीं सड़क यहाँ नहीं, सड़क तो उधर पीछे साहब चक्रोट है। हाँ इसकी जांच भी चल रही है। हाँ मुकदमा है साहब इस पर, उस वहाँ से वहाँ तक सड़क पे हमारे खेत में सड़क पट गया है, चक्रोट पटा है। ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत और जांच कराने की मांग एक ग्रामीण ने जब सीडीओ से की तो जांच भी शुरू हो गई। इसमें पूरे 46 लाख रुपए से ज्यादा के गड़बड़ झाले का पता चला। इसके बाद ग्राम प्रधान ने भी आनन फानन में गांव में विकास कार्य करवाना शुरू कर दिया। प्रधान जी से भी कहे, बहुत दिन हो गया, कहते कहते थक गए। वीडियो से कहे हो तब भी कुछ नहीं हुआ, एप्लीकेशन दिए वीडियो तब भी कुछ नहीं हुआ, फिर ठंडा हो गया हम। तो बरसात भी आ रहा है जी, परेशानी। बहुत बार बोले वीडियो से, नाली ना बनने से कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी, सारा बदबू तो हम ही लोग लेते हैं इसका। ये मामला है मनरेगा का है, आवास का है और जो गाँव में विकास कार्य हुआ है सड़क संबंधित नाली संबंधित, सारे में लाखों रुपये का घोटाला हुआ है। उसी संबंधित हम जो है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री DPRO CDO और SSP के वहाँ शिकायत किए हैं, शिकायत पत्र भी दिए हैं। आपकी शिकायत पे क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? हमारी शिकायत पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बस करीब 2 साल से खाली जांच पे जांच चल रहा है। रिपोर्ट लग जाता है, जांच होता है, बस जांच करके चले जाते हैं। मुख्यमंत्री के जिले में इस तरह का घोटाला कई सवाल खड़े करता है। नाली बनी नहीं भुगतान हो गया, सड़क बनी नहीं पेमेंट हो गई। अब अधिकारियों की तरफ से जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है। ये मामला हमारे संज्ञान में आया है, हमने
जो भी शिकायत करता थे उनसे नोटरी पर उनकी शिकायत मंगवाई है और उस शिकायत को डीएम साहब पर बढ़ाया गया है जिला स्तरीय अधिकारी नामित करने के लिए। वो जिला स्तरीय अधिकारी उस शिकायत की जांच करेंगे और उस जांच के रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की नाक के नीचे इस तरह का घोटाला अपने आप में एक अजूबा है, क्योंकि सरकारी निर्माण की पूरी स्क्रीनिंग होती है और ब्लॉक अधिकारी के निरीक्षण के बाद ही ठेकेदार या संबंधित कंपनी को पेमेंट होता है। लेकिन यहां तो सभी नियमों को ताक पर रखकर सिर्फ कागजी काम के नाम पर भुगतान कर दिया गया, जो एक बड़ी गड़बड़ी की तरफ इशारा मात्र है। गोरखपुर से सुशील सिंह, इंडिया न्यूज। तो निर्माण कार्यों से पहले भुगतान हुआ, विकास कार्यों के नाम पर सरकारी धन का बंदरबांट किया गया है और करीब 50 लाख रुपए गटक गए हैं घोटालेबाज। मौके पर किसी भी तरीके के निर्माण कार्य की तस्वीर नहीं देखने को मिल रही है, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और माना जा रहा है कि लाखों का घोटाला इसमें हुआ है। हालांकि सड़क पर नाली निकालने की भी बात हुई थी, लेकिन ये सिर्फ कागजों पर बातें हैं। जमीन पर आप देख रहे हैं तस्वीर, जमीन पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति है, ना सड़क है ना नाली की व्यवस्था। देश में कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के अब अनलॉक 2 लागू पर प्रवासी मजदूरों और स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए सरकार दावा कर लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। इसके तहत यूपी के गोंडा जिले में उद्योग और उद्यम प्रोत्साहन केंद्र के द्वारा प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों को लघु और सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए ट्रेनिंग और बैंक से लोन दिलाकर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जिले में अब तक 17 इकाइयों में 106 लोगों को 1,06,00,000 रुपए की बैंक से लोन कराकर लोगों की मदद की गई है और जो भी लोग आवेदन कर रहे हैं उनकी मदद की जा रही है उद्योग विभाग की तरफ से। तो बैंक से लोन और ट्रेनिंग लेकर खुद का व्यापार लोग कर सके, इसको लेकर कोशिश की जा रही है। आत्मनिर्भर देश की जनता बनेगी, इसी को लेकर काम किया जा रहा है। और चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।